नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रंगे हाथ पकड़े गए चोर को पीट पीट कर मार डाला। जज की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, दवाइयां लेने से मेडिकल का इनकार। दर्शकों, अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अजमेर में एक युवक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। युवक चोरी की नीयत से दुकान में घुसा था, जिसे दुकान मालिक और उसके परिवार ने पकड़ लिया। पूरे परिवार ने मिलकर युवक की जमकर पिटाई की। आरोपी की मां हाथ जोड़ती रही कि उसके बेटे को मारो मत, पुलिस को सौंप दो, लेकिन गुस्साए लोग नहीं माने। इससे भी मन नहीं भरा तो उसे पुलिस को सौंपने की बात कहकर वैन में डालकर ले गए। मां थाने पहुंची तो बेटे का पता नहीं चला। सोमवार देर रात पुलिस को अंदर कोर्ट क्षेत्र में शव मिलने की सूचना मिली। जांच की तो पता चला कि यह वही युवक था जिसकी लोगों ने जमकर पिटाई की थी। शव को अजमेर में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया। मृतक की मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है, जांच शुरू की है। युवक की 3 महीने पहले शादी हुई थी। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस धनबाद में एक जज को वाहन से कुचलने को लेकर सीबीआई जांच की साप्ताहिक निगरानी करेंगे। सोमवार को हुई एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई हर हफ्ते अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को अदालतों के अंदर और बाहर न्यायिक अधिकारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए माहौल बनाने के तरीके पर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तीसरी खबर, जन स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की निःशुल्क मिलने वाली करोड़ों रुपए की एंटीबॉडी कॉकटेल दवाओं को लेने से मेडिकल कॉलेज ने इनकार कर दिया है। दवा की समय सीमा अगस्त व सितंबर महीने में खत्म हो रही है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें कैसीरिविवैम और इमडेविमैब नामक एंटीबॉडी कॉकटेल दवाएं दी गई है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।